أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم Today is 6th of June 2020 and I am your teacher Malik Zubair from Government Middle School Shahnagri Dear students, as you know that we have already started our new chapter that is respiration in organism Today we are going to learn about what is breathing Okay dear students बच्चों आप एक काम करेंगे पहले अपनी नॉस्ट्रिल्स दैट्स नाक और मुंह जो है इसे टाइटली बंद करेंगे ठीक है आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे हम देखेंगे वी फील सफोकेटेड दैट मीन्स वी फील सफोकेटेड ठीक है सो वी कैन से दैट वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम We cannot survive for a long time without taking in oxygen and giving out carbon dioxide. As we know that we human beings take in oxygen from air and giving out carbon dioxide. That we call breathing. So we can write here what is breathing. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide okay breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide okay dear students now what is inhalation jaise ki maine aapko bataya ki hum oxygen lete hain body ke andar that is the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation theek hai The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. ठीक है Okay. Now the second point is exhalation. जब हम हवा छोड़ते हैं उसे हम फॉर एग्जाम्पल हम ब्रीथिंग करते हैं दैट इज हम लेते हैं ऑक्सीजन दैट इज इनहेलेशन और बाहर छोड़ते हैं हवा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन मीन्स गिविंग आउट ऑफ Giving out air rich in carbon dioxide is known as exhalation. ठीक है अब breathing rate है breathing rate depends upon activity of a man doing. What is man doing? उसकी breathing rate इतनी ही होगी Now, first of all, what is breathing rate? The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. जब the number of times कितना कितनी दफा एक पर्सन एक मिनट में ब्रीथ करता है दैट इज इट इज ब्रीथिंग रेट ठीक है ब्रीथ किसे कहते हैं ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन ठीक है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग एडल्ट ह्यूमन बीइंग जब रेस्ट में होगा तो ये 15-18 टाइम्स इसकी ब्रीथिंग रेट होगी ठीक है जब एक इंसान रेस्ट में होगा बैठा हुआ होगा इसकी ब्रीथिंग रेट जो है वो 15-18 टाइम्स इन अ मिनट होगी बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट जो है ये 25 तक इंक्रीज हो सकती है 25 टाइम्स इन अ मिनट इंक्रीज हो सकती है बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ठीक है बच्चों यहां पर एक्टिविटी है एक्टिविटी 10.3 जो है इसमें दिया गया है शो द वेरियस एक्टिविटीज कैरीड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे एक नॉर्मल डे में एक इंसान ये सारी एक्टिविटी करता है इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है ब्रीथिंग जो है कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी ब्रीथिंग रेट जो होगी कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी हमें असाइन करना है नंबर पिक्चर्स को इस नंबर में असाइन करता है ब्रीथिंग रेट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस फॉर इंक्रीजिंग ठीक है पहले में कम जो पहला नंबर हम देंगे उसे हम देंगे वन जिसमें कम ब्रीथिंग रेट होगी जिसमें उससे ज्यादा होगी उसे दो देंगे ठीक है यहां पर मैंने लिखा है सबसे कम ब्रीथिंग रेट जो होगी वो सोते हुए आदमी की होगी आदमी सोता हुआ है ठीक है ये भी हम कम करते हैं सो हम कह सकते हैं जब हम सोते हैं हमारी ब्रीथिंग रेट कम होती है कम क्या 15-18 टाइम्स इससे ज्यादा कब होगी आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा जब हम पढ़ते हैं
उस टाइम भी हमारी ब्रीथिंग रेट कम ही होगी, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड पे है, ये औरत जो है ये कपड़े धो रही है, इसमें भी ब्रीथिंग रेट स्लो होगी। इसके बाद ब्रीथिंग रेट ये जो है ये आदमी लेडर से चढ़ रहा है, ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहा है, इसमें भी ब्रीथिंग रेट कम होगी, ठीक है। इसके बाद है ये आदमी जो है ये चल रहा है वॉकिंग, इसमें ब्रीथिंग रेट हाई होगी, ठीक है ना। और ये औरत जो है लड़की ये दौड़ रही है, इसमें भी ब्रीथिंग रेट ज्यादा ही होगी। सबसे ज्यादा जो होगी ब्रीथिंग रेट वो दौड़ते हुए आदमी की उसके कम होगी, चलते हुए आदमी उससे कम, जो आदमी सीढ़ी चढ़ रहा है। इसके बाद जो औरत कपड़े धो रही है उससे कम, जो लड़का यहाँ पर पढ़ रहा है उससे कम, जो सोता हुआ है। दैट इज वेरिएशन इन द ब्रीथिंग ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं उस टाइम ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, ठीक है बच्चों। हमने पहले ही पढ़ा, जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग फास्ट करनी पड़ती है। वो कब पड़ती है हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत, जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, कूदते हैं, जंप करते हैं, उस टाइम हमारी जो सेल्स होती हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ज्यादा, ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके, ठीक है, ताकि वो एनर्जी, उस टाइम हमें ब्रीथिंग जो है वो फास्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, ब्रीथिंग मींस टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इनहेलेशन द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, एक्सहेलेशन गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग रेट हम किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट, ठीक है। ब्रीथिंग रेट या हम ब्रीथिंग कह सकते हैं, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। एन एडल्ट ह्यूमन बींग जो होगा वो अगर रेस्ट में होगा वो 15-18 टाइम्स इन अ मिनट क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। जब हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं जो ब्रीथिंग रेट है ये इंक्रीज हो सकती है 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ कर सकते, दैट इज हाउ वी इनहेल एंड एक्सहेल, हाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल दैट अस्सलाम वालेकुम।